यूपी के सीतापुर में पुलिस व क्राइम ब्रांच ने सुपारी किलर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने एक तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस व एक कार सहित नकदी बरामद करने में सफलता हासिल की है। सुपारी किलर ने सपा नेता शालू गुप्ता की हत्या के लिए ये सुपारी ली थी, लेकिन सुपारी किलर अख्तर का मन बदल गया और उसने सपा नेता को खुद जाकर बता दिया कि हमें तुम्हारी हत्या की सुपारी मिली है, जिसके बाद सपा नेता ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए क्राइम ब्रांच की मदद से सुपारी किलर सहित सभी साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये पूरा मामला पिसावा थाना इलाके का है। मेरी हत्या करने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी हमारे गाँव के पूर्व प्रधान चंद्रपाल यादव, जलाईपुर के पूर्व प्रधान मुंशी लाल यादव, सहुआपुर के BDC अजब सिंह यादव और हमारे ही गांव का सफाई कर्मी थेउलाल अर्कवंशी के द्वारा मेरी 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई हत्या करने के लिए। मुझे जिन लोगों को सुपारी दी गई उसी से एक सदस्य ने मुझे जानकारी दी, जिसकी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सक्रिय हुई, पुलिस ने पूरी सक्रियता के साथ में उन लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मैं पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार इस घटना से दहशत में है और मुझे अगर कहीं ये जानकारी न मिलती तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता, कल मेरी हत्या कर दी गई होती। और मुझे अब भी ये शंका है कि किसी भी समय हमारी हत्या की जा सकती है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए, मेरे परिवार की सुरक्षा दी जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पूरा, अगर कोई भी घटना हमारे साथ घटित होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। कस्बा पिसावा के जो है सीमेंट व्यवसायी हैं शालू गुप्ता, इनको मारने के लिए सुपारी दी गई थी और इनके ही गांव के रहने वाले ग्राम प्रधान द्वारा जो है सुपारी दी गई थी। शालू गुप्ता ये जिसको सुपारी दी गई कि अख्तर नाम के व्यक्ति को, शालू गुप्ता से उसके पहले से परिचय थे, इस वजह से अख्तर ने जो है यह बात का खुलासा शालू गुप्ता से कर दिया और इसकी जब पूरी छानबीन की गई क्राइम ब्रांच की टीम और हमारे थाना पिसावा की टीम क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में और ये पूरे इस घटना में जितने लोग सम्मिलित थे कुल 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और इनसे जो सुपारी जो रकम दी गई थी उस रकम में से कुल 20,000 रुपये बरामद हुए हैं, एक कट्टा, 14 कारतूस और एक घटना में जो कार मारती उसकी कार थी और जो मोबाइल गई थी ये बरामद की गई थी। कुल 2 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी जिसमें से 1,45,000 रुपये का इनका भुगतान किया जा चुका था। इसका कारण ये था कि ये जो शालू गुप्ता हैं इन्होंने ग्राम प्रधान के कुछ जाँचें करा दी थी जिससे वो रुष्ट हो गए थे, क्षुब्ध हो गए थे और इसको अपने रास्ते से हटाने के लिए गुप्त तरीके से उन्होंने